आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आर द थिंग्स डैट हैपन्स टू एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने कुछ क्लिक किया तो कुछ इवेंट ऑकर हो गया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल पेजेस में यूज़ कर सकते हैं और वो रिएक्ट करता है कुछ इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी ब्राउज़र्स में हो रही हैं, ये कुछ चीज़ें ब्राउज़र कर रहा है या फिर कोई चीज़ें कुछ यूज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल इवेंट्स में क्या हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वेब पेज की जब लोडिंग फिनिश हो जाएगी तो कुछ इवेंट ऑकर होगा, या फिर जब भी कोई इनपुट फील्ड में कुछ चेंज हुआ है तो कोई इवेंट होना चाहिए, या फिर कोई हमने बटन क्लिक किया है तो कुछ इवेंट ऑकर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ब्राउज़र कर रहा है, कुछ यूज़र कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन एचटीएमएल इवेंट्स आते हैं, वो क्या क्या होते हैं, जैसे ऑन चेंज, एचटीएमएल एलिमेंट हैज़ बीन चेंज, जब भी कोई एचटीएमएल एलिमेंट चेंज कर दिया गया है। ऑन क्लिक, हमने कोई एचटीएमएल एलिमेंट को क्लिक किया और वो कुछ इवेंट ऑकर हो गया। ऑन माउस ओवर, मतलब आप किसी एचटीएमएल कोई एलिमेंट है उसके ऊपर जैसे ही माउस को होवर करोगे तो वो कुछ इवेंट ऑकर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑन माउस आउट, जब उस एलिमेंट से आप माउस को अवे ले जाओगे, माउस को कर्सर को, तो कुछ इवेंट ऑकर होगा। ठीक है। ऑन की डाउन, जब भी आप कीबोर्ड में डाउन की को प्रेस करोगे तो कुछ इवेंट ऑकर होगा। ऑन लोड, मतलब जब पेज की जो लोडिंग है वो फिनिश हो जाएगी तो कुछ इवेंट ऑकर होगा। तो ये कुछ कॉमन इवेंट एचटीएमएल इवेंट के एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो इवेंट क्या होगा इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर्स भी होते हैं, तो जैसे कि जो इवेंट हैंडलर्स होते हैं, वी यूज़ टू हैंडल एंड वेरीफाई यूज़र इनपुट, यूज़र एक्शंस एंड ब्राउज़र एक्शंस, इन सबको हम हैंडल करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम इवेंट हैंडलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थिंग्स जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आपने आप जब भी पेज लोड करते हो तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इवेंट हैंडलर देखता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पेज को क्लोज़ किया तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या फिर आपने कोई बटन को क्लिक किया तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, या फिर यूज़र ने किसी इनपुट फील्ड में कोई डाटा डाला तो वो वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट हैं। और HTML इवेंट्स एट्रीब्यूट्स कैन एग्जीक्यूट जावा कोड डायरेक्टली। ओके, HTML इवेंट एट्रीब्यूट कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। यू कैन असाइन योर ओन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट। ठीक है, आप अपना खुद का भी एक इवेंट हैंडलर फंक्शन बना सकते हो, और आप प्रिवेंट भी कर सकते हो कि फ्रॉम बीइंग सेंड और बीइंग हैंडल्ड। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर में वो हैंडल करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इवेंट हमने मैंने बता दिया, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आपने बनाई है, जैसे कोई हमने एक बटन बनाया है और उस बटन को क्लिक करते ही कुछ अलर्ट आना चाहिए वेब पेज, तो ये क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट इवेंट हो गया। ठीक है ना, ये एग्जांपल है। ठीक है।